देखने के बाद आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आगे की खबरें। जयपुर के पापड़ा में अतिक्रमण को हटाने के लिए एक माह का समय था, वहीं एक माह के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा। वहीं राजस्व विभाग के अमले के साथ करीब डेढ़ घंटे की कार्यवाही में अतिक्रमण जेसीबी से हटाए गए। वहीं राजबाला मीना का कहना है कि एक माह का समय देने के बाद भी गौशाला प्रशासन गौशाला दस्तावेज नहीं दिखा पाया, जिस पर यह कार्यवाही जिला कलेक्टर जयपुर के निर्देशानुसार की गई है। जोधपुर के ओसिया पीपा क्षेत्रीय समाज व गायत्री शक्ति पीठ के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 53 रक्तदाताओं ने रक्त महादान किया। गायत्री शक्ति पीठ के संरक्षक आज्ञाराम सोलंकी ने रक्तदान को एक महान पुण्य काम बताते हुए रक्तदान करने वालों को सम्मानित कर उन्हें रक्तदान व गौ सेवा हेतु हमेशा तत्पर रहने को कहा। पाली के रानी में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुमित्रा राजपुरोहित के नेतृत्व में दीप जलाए गए। भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता व समाज सेवी जयवर्धन रांकावत ने बेरोजगार महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिलाई सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर महिला मोर्चा के शहर अध्यक्ष रजनी कुमावत, भाजपा ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष उत्तम सिंह, मंडल महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। टोंक के उनियारा में नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही से सफाई करने के बाद भी कचरा नहीं उठाया जा रहा है। यहां नाली सफाई के बाद दुकानों के बाहर गंदगी छोड़कर जा रहे हैं, जिसके चलते दुकानदारों और लोगों को दुर्गंध से परेशानी हो रही है। यहां दो तीन दिन तक कचरा पड़ा रहता है और शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में बड़ौदा मेव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर करीब 3.5 वर्षों से सुविधाओं की कमी है। 2 दर्जन से भी अधिक गाँवों से यहाँ मरीज आते हैं, लेकिन मरीजों को व्यवस्था देखकर हताश होकर लौटना पड़ता है। डॉक्टर्स के पद भी रिक्त हैं, जहां अस्पताल में 30 बेड होने चाहिए, लेकिन मात्र 5 बेड के भरोसे ही अस्पताल चल रहा है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में कांग्रेस सेवादल के लगातार तीसरी बार मोहन हटेला के जिलाध्यक्ष बनने पर नगर कांग्रेस की ओर से नगर अध्यक्ष नगेंद्र सिंह गुर्जर ने स्वागत किया। झालावाड़ के झालरा पाटन में राजकीय बालचंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी सभी सरकारी डॉक्टर्स की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से ही लग रही है। सीएचसी में उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक मशीन 15 फरवरी से लगाई गई है। जोधपुर के मंडोर में होली के अवसर पर माली समाज की ओर से निकलने वाली रावजी की गेर मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही है। वहीं युवा कांग्रेस जोधपुर शहर जिला सचिव लक्ष्मण सिंह सोलंकी ने बताया कि मेले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाग लेंगे। भरतपुर के हलैना में नई दिल्ली की 38वीं पदयात्रा हलैना पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत किया। हलैना की 11वीं पदयात्रा बालाजी को रवाना हुई और जय घोष से पूरा मंदिर गूंज उठा। दौसा के सीकराय में रोड क्रॉस करते समय अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। धौलपुर के राजाखेड़ा में पटवार हलका जरिया की सैकड़ों बीघा सरकारी सिवायचक भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। सरकारी भूमि पर फसल का काम हो रहा है, लेकिन अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सीकर के नीमका थाना में प्रवेश पत्र नहीं मिलने से 2 छात्राएं परीक्षाओं से वंचित रह गई, जिससे उन्होंने संस्था प्रधान पर प्रवेश पत्र नहीं देने का आरोप लगाया। गंगानगर के सादुल शहर में युवा महिला सरपंच अंजू यादव का महिला दिवस पर नई दिल्ली में सम्मान किया गया। उन्हें यह सम्मान गांव में करवाए गए विकास कार्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया है। नागौर के मेड़ता सिटी में मानदेय कर्मियों को फिर निराश किया है। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर सहित अनेक मानदेय कार्मिक नियमित होने की आशा लगाए बैठे हैं। झालावाड़ के अकलेरा में बिजली बिल वसूलने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद पुलिस ने 35 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। घटना बलड़िया रूपपुरा गांव की है। सिरोही के रेवदर में चुनाव आयोग की ओर से 15 मार्च 2017 तक चलाए जा रहे मतदाता युवा पंजीकरण महोत्सव में युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।
युवा मतदाताओं के नाम 10 आवेदन से कम जमा करवाने वाले 13 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। कोटा के खैराबाद में एक बाइक सवार को रास्ते में रोककर की मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद गंभीर घायल बयान देने की स्थिति में नहीं है। घायल को पुलिस ने 108 से झालावाड़ रेफर किया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के पिड़ावा में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम व पुलिस मौके पर से 4 जेसीबी व 3 ट्रैक्टर जब्त किए हैं और एक ट्रैक्टर चालक को भी हिरासत में लिया है। कार्यवाही रायपुर क्षेत्र के पास काली सिंध नदी पर की है। सवाईमाधोपुर के खंडाल में बाले रोड पर हथियारों से लैस 8-10 लोगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के लाटपुरा कस्बे में कई जगहों पर कचरे के ढेर लगे होने के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सफाई नहीं होने के कारण गंदगी जमा हुई है। टोंक के देवली में बीसलपुर बांध डाउन स्ट्रीम में एक महिला का शव मिला। शव बीसलपुर टोडाराय सिंह मार्ग पर शमशान के पास मिला। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव को ग्रामीणों की सहायता से निकाला गया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालौर के जसवंतपुरा में उपखंड मुख्यालय को स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ घोषित हुए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को शौचालय अनुदान राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। झुंझुनू के नवलगढ़ में प्रस्तावित सीमेंट कंपनियों के लिए अधिग्रहण होने वाली भूमि को पुलिस इमदाद लेकर खाली कराने के मामले को लेकर भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संयोजक दीप सिंह शेखावत ने कहा कि अगर प्रशासन ने पुलिस इमदाद से अगर जबरन भूमि खाली कराने का प्रयास किया तो इस कार्रवाई को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जालौर के सांचौर में हाडेचा के कई जीएलआर में 10 साल से पानी की समस्या सप्लाई नहीं हो रही है। पानी की सप्लाई नहीं होने से जीएलआर जर्जर हो गए हैं, जिसके चलते अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है और विभागीय अधिकारी पानी सप्लाई को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण नहर का गंदा पानी पीने को मजबूर है। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में क्षेत्र के भेड़ोला गांव में खेत पर फसल की रखवाली कर रही किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर के बसेड़ी क्षेत्र के गांव नौनेरा में एक महिला द्वारा गांव के ही एक व्यक्ति पर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने, उसके घर में झोपड़ी में आग लगाने को लेकर पुलिस में तहरीर हुई है। हालांकि घटना को लेकर पुलिस में कोई मामला अभी दर्ज नहीं हुआ है। दौसा के लालसोट में उपखंड मुख्यालय पर यातायात व्यवस्था चरमरा जाने के कारण हाईवे पर जाम लगा रहता है, जिससे वाहन चालक परेशान होते हैं और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हनुमानगढ़ के रावतसर में नोट दुगुने करने का झांसा देकर मनोरंजन बैंक खिलौना नोट थमाकर ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 2 नामजद सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। नोट दुगुने करने का झांसा देकर आरोपियों ने उससे 70,000 रुपए लूट लिए। भरतपुर के बयाना में वार्ड 1 और 22 में बिजली कार्य कराने की मांग को लेकर एसएमडी को ज्ञापन देते हुए पार्षदों ने बताया कि रोड लाइट्स के अभाव में वार्डों की गलियों में शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता है। अंधेरा होने से समाज कंटक चोरियों की घटनाओं को अंजाम देने के साथ ही अन्य असामाजिक गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे हैं। झुंझुनू के चिड़ावा में सारी पंचायत मुख्यालय पर अतिक्रमण हटाने के चर्चित मामले में सरपंच ने प्रशासन पुलिस पर फिर से सहयोग नहीं करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन का सहयोग समय पर नहीं मिलने के कारण मामला कोर्ट में चला गया। भरतपुर के कामा में उपखंड मुख्यालय पर काफी समय से उठ रही सिविल कोर्ट खोलने की मांग अब पुनः उठने लग गई है। अभिभाषक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने और अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ।
के बाद आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आगे की खबरें। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मोत्सव व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नगर मंडल के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन राजकीय जिला चिकित्सालय में रखा गया। शिविर में बाजीमो के कार्यकर्ताओं द्वारा 51 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। पाली के रानी में श्री आईजी विद्यापीठ शिक्षण संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य जगदीश चंद्र जोशी ने महिला दिवस के आयोजन पर महिला शक्ति के बारे में ऐतिहासिक महिलाएं रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, पन्ना राय आदि का जीवन परिचय दिया और छात्राओं को जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। झुंझुनू के उदयपुर पार्टी में नगर पालिका में पट्टे बनवाने को लेकर लोग चक्कर लगा रहे हैं। लोगों को पट्टे बनवाने को लेकर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी नगर पालिका प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जालौर के सांचौर में ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित जीएलआर में पिछले कई साल से पानी की सप्लाई नहीं होने से सभी जीएलआर जर्जर होने के कगार पर हैं। लेकिन जलदाय विभाग इन जीएलआर में पानी की सप्लाई को लेकर कोई कार्य नहीं कर रहा है, जिसके चलते लोगों को कई साल से पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। सिरोही के शिवगंज में केसरपुरा गांव में शमशान के लिए भूमि आवंटन कराने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि समिति की बैठक में गांव के लोगों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें सबसे बड़ी समस्या सामने आई शमशान के लिए भूमि नहीं होना। जैसलमेर के पोकरण शहर के मालियों का वास में सड़कों की स्थिति बद से बदतर हो गई है, जिसके कारण यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों तथा आमजन को हर समय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर डामर कम और गड्ढे अधिक दिखाई दे रहे हैं। जालौर के भीनमाल कस्बे में विगत 20 फरवरी को बाबा रामदेव मंदिर में दिन दहाड़े आभूषण अन्य वस्तुओं को चुराने वाले आरोपियों को बागरा पुलिस ने भीनमाल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया, जिनसे चोरी किए गए माल की बरामदगी के प्रयास किए गए हैं। चूरू के सादुलपुर में 10 वर्ष पूर्व के शराब तस्करी के मामले में आरोपी को 3 वर्ष के साधारण कारावास 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। मामले के अनुसार 27 जनवरी 2007 को सिद्धमुख पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान चुपकिया ताल के पास बोलेरो में रखे हरियाणा निर्मित शराब के 30 कार्टन जब्त किए थे। चूरू के तारानगर में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी SDM ने कहा कि 15 मार्च तक हर हाल में युवा मतदाता महोत्सव के निर्धारित लक्ष्य को प्रत्येक DLO पूरा करे। भरतपुर के सीकरी में हसेपुर में एक युवती ने घर में रखी पुरानी दवाई का उपयोग कर लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डूंगरपुर के बीछीवाड़ा में मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता अस्पताल में मरीजों को फल बांटने के लिए गए थे, लेकिन अस्पताल में मरीजों का इलाज करने वाला डॉक्टर ही नहीं था। पारा के छीपा बदौड़ में बिजली निगम की ओर से बकाया राशि की वसूली के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को बकायादारों के 60 ट्रांसफार्मर उतारे गए। इन गांवों के लोगों पर 70 लाख रुपए की राशि बकाया है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में ससुर ने विधवा बहू से दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने गंगापुर सिटी सदर थाने में मामला दर्ज कराया। अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हनुमानगढ़ के नोहर में 28 गांवों को सिंचाई क्षेत्र से जोड़ने की मांग को लेकर एकजुट महिलाएं ADM कार्यालय के आगे हल्ला बोल प्रदर्शन किया। आक्रोश ऐसा था कि महिलाएं मांग मनवाने के लिए सड़क पर ही लेट गई। नोहर भादरा क्षेत्र के सिंचाई से वंचित गांवों को सिंचाई प्रणाली से जोड़ने के लिए 10 सालों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के नोहर में सवर्ण आरक्षण रैली में भाग ले रहे राजपूत सवर्ण समाज के लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के विरोध में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से सरकार का पुतला जलाकर विरोध दर्ज करवाया गया। SDM को ज्ञापन देकर कार्यकर्ताओं को शीघ्र रिहा करने की मांग की गई है। चूरू के सुजानगढ़ में पुलिस ने बोबासर की रोही में घेराबंदी कर 3 युवकों को गिरफ्तार कर 11 बकरियां बरामद की। SI के अनुसार नाकेबंदी के दौरान एक जीप में सवार लोग पुलिस को देख भागने लगे। जब पुलिस ने जीप को रोका तो उसमें 11 बकरियां पाई गई। भरतपुर के कुम्भेर में गुड़गांव कैनाल के दूसरे चरण के निर्माण की मांग को लेकर जौदेला चौराहे पर 40वें दिन भी भगवान सिंह की अध्यक्षता में महापड़ाव जारी रहा।
इसके बाद गुड़गांव कैनाल किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने एसडीएम कार्यालय पर जाकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के नौखा में हरियाणा रोडवेज की बस और टैक्सी की भिड़ंत से एक महिला की मौत हो गई। भीलवाड़ा की जहाजपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पीपलूंद पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्य कर रही डीआरजी टीम द्वारा मॉर्निंग फॉलोअप किया जाएगा। ग्रामीणों को खुले में शौच नहीं करने के फायदे और नुकसान बताए। वहीं स्वच्छ भारत मिशन की रंगोली और हाथों पर मेहंदी बनाई। वहीं सरपंच मौसमी देवी मीणा ने महिलाओं को महिला दिवस पर महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में हाईवे पर मेड़ी खेड़ा के पास एक ट्रक के बिजली लाइन छू जाने से चालक झुलस गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। बाड़मेर के सिवाना में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, सरपंच मंजू देवी बागरेचा के निर्देशन में बैठक आयोजित हुई। इसमें ग्राम सेवक नरपत सिंह देवड़ा ने बताया कि बैठक में व्यापार संघ सिवाना से चर्चा कर कई कार्रवाइयां प्रस्तावित की गई। बाड़मेर के धोरी मन्ना में बाइक का संतुलन बिगड़ने से बाइक पर सवार तीन लोग घायल हो गए। घायलों को निजी वाहन से धोरी मन्ना अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उनको छुट्टी दे दी गई है और एक को सांचा और रेफर किया गया। बाड़मेर के बायतू में नागाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। चोरी हुई बोलेरो कैंपर बरामद की गई। बुरटिया सरपंच की बोलेरो कुछ दिनों पहले घर के आगे से चोरी हो गई थी। डूंगरपुर के सागवाड़ा क्षेत्र के सरोदा गांव में रात्रि चौपाल की मांग की है, जहां 18,000 दशा कुमर दिगंबर जैन समाज के उपाध्यक्ष धनपाल जैन ने बताया कि जिला कलेक्टर से भेंट कर सरोदा में रात्रि चौपाल करने का आग्रह किया गया। नागौर के जायल पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक वृत्ताधिकारी दिनेश सिंह रोहड़िया की अध्यक्षता में हुई, जहां बैठक में डीवाईएसपी ने जनहित को लेकर हेलमेट नहीं पहनने वाले बाइक चालकों पर कार्रवाई करने में जनमानस को सहयोग करने की अपील की। धौलपुर के सेमपयू में होली के त्योहार पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए खाद्य एवं स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ चुका है। टीम ने बड़े पैमाने पर मिलावट की आशंका को देखते हुए मावा सहित अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल्स लिए। अजमेर के केकड़ी में 5 महीने पहले एक लोहा व्यापारी को गोली मारकर रकम लूटने के मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित विजय वर्गीय समाज की महिलाओं ने पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। सिरोही के पिंडवाड़ा में स्वरूपगंज के धनारी राजमार्ग पर निजी बसों पर पथराव हुआ और बसों के शीशे भी फूटे। इन दोनों क्षेत्र में रात में लगातार पथराव हो रहे हैं। स्वरूपगंज पुलिस एएसआई ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। झुंझुनू के खेतड़ी में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की गई। कार्रवाई में पुलिस ने एक खनन माफिया को गिरफ्तार किया। जमालपुर नदी में ये पूरी कार्रवाई की गई और अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की गई। भीलवाड़ा के मांडल पंचायत समिति क्षेत्र के भादू ग्राम में मोक्षधाम में विश्रांति गृह स्नान घर नहीं होने के साथ ही चारों ओर अंग्रेजी बबूल और गंदगी फैली हुई है, जिसके कारण वहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण वहां पर दाग संस्कार में आने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। करौली के मंडरायल में तहसील परिसर में भामाशाह शिविर संपन्न किया गया, जिसमें 8 भामाशाह, 108 आधार और 58 भामाशाह कार्ड वितरित किए गए। 4 को पे पॉइंट आवेदन, 4 बैंक खाते सहित 33 सदस्यों को भामाशाह से जोड़ा गया। 108 लोगों की पेंशन व सुरक्षा समाधान भी किए गए। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।